नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13, 14, 15 और 16 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। 13 मई के दिन आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे जब आपको अपने ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को कम महसूस करेंगे। इन सब के अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आप जल्दी ही दुविधा के शिकार हो जाते हैं या जल्दी लोगों पर भरोसा करने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी काबिलियत को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो ये देखने की कि आप वास्तव में कितना काबिल, कितना लायक हैं। अपने ऊपर आपको विश्वास बढ़ाना होगा, सकारात्मक सोच को बढ़ाना होगा, डेवलप करना होगा और खुद को निगेटिविटी से दूर करना होगा। 14 मई का दिन आपके लिए अलग रहेगा क्योंकि इस दिन धार्मिक दृष्टि से आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर झुकेंगे। आपके हृदय में महिलाओं के लिए एक निश्चित जगह भी होगी, लेकिन साथ ही साथ अच्छे और बुरे की परख अच्छे से कर पाएंगे। इस दिन आप कुछ गंभीर विषयों का भी अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं या उनके ऊपर विचार विमर्श या एक डिबेट कर सकते हैं। 15 मई के दिन आपका सम्मान हालांकि बढ़ेगा, आप अपने आप को बहुत शाइन फील करेंगे। आपका अपने प्रति जो रुझान है, जो अपने ऊपर विश्वास है, इस दिन वो बढ़ेगा। आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश भी करनी होगी। जब आपको ज़रूरत होगी अपने ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखने की, और साथ ही साथ इस बात की भी कि आप अपने अहंकार में ही ना डूब जाएं। कोशिश करिएगा कि जब आपकी तारीफें हों आप उससे पचा जाएं और उस तारीफ को एक सकारात्मक रूप में लें। उसके प्रति कोई नेगेटिव भावना अपने मन में ना लाएं और प्रतिउत्तर में भी कोई नेगेटिव बात ना कहें। 16 मई के दिन आप ईश्वर के प्रति थोड़ा नाराज हो सकते हैं जब आपको ऐसा फील होगा कि उन्होंने आपको वो सब नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। ऐसी परिस्थिति में आपको उनके ऊपर अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस प्रकार से सोचना चाहिए कि ईश्वर आपको वो देते हैं जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, न कि आपके मस्तिष्क के लिए। इसलिए उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह न उठाएं और कोशिश करें कि जो कुछ भी उन्होंने दिया है उन रिसोर्सेस का उपयोग करके स्वयं को आगे ले जाएं। ओवरऑल चारों दिन प्रेम संबंधों के लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों के लिए जो सबसे बढ़िया दिन है वो है 14 और 15 तारीख, 13 और 16 सामान्य है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 13, 14, 15 और 16 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।